This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host, Tarique Khan Javed. Now, how is the market today? Let's see the graphs. Hundred index is here. 170 minus final close, 41,983. Let's go for the 30. Yahan bhi 101 point ka loss hai janab, 21,671 final close. All shares ko dekhte hain janab, all important all shares. Yeah, 125 ka loss record kiya gaya, 29,897. Let's see how many companies were traded today. Total 353 companies mein kaam hua, jisme advancing companies 896 rahi aur declining 243. Unchanged 14. तो ये थी आज की मार्केट बेसिक. उसके अलावा अगर वॉल्यूम पे बात की जाए तो वॉल्यूम जो है 30 इंडेक्स में 75 मिलियन का रहा, 100 में 112 का रहा, ऑल शेयर्स 216. टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आज असगार 9 का नाम है विद 15.23, एचआई स्टील मिल 14, स्वी साउथर्न गैस 11, के इलेक्ट्रिक 10, टीआरजी पाकिस्तान 9. और टॉप गेनर्स में फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान विद इंक्रीज ऑफ 127, यूनिलीवर 110, सनोफी एवेंटिस 86, रिथ पाकिस्तान 74, इंडस मोटर कंपनी 49. टॉप लूजर्स रिफान मेज एक्स डिविडेंड 90, सर्विस इंडस्ट्री 61, मरी बेवरी 40, मरी पेट्रोलियम 40, जुबली इंश्योरेंस 36. नाज़िन, हमारे पास एक बड़े एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट जिनको हम समझते हैं, ये वो आदमी है डॉक्टर रसूल साहब जो कि दुनिया भर में जाके पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करते हैं. और 2016 में इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त 17 के लिए प्लान बनाया था विच ही सक्सेसफुली सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड लेकिन आजकल जो है इनका एफर्ट जो है कुछ नेगेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि गोरे मुसलसल बेच रहे हैं. डॉक्टर साहब, वेलकम शोर सर. सर, आपकी पिच ज़्यादा कमज़ोर हो गई लगता है, गोरे घबरा गए. पिच से ज़्यादा आई थिंक अगर देखा जाए तो गोरा तो नेट सेलर पिछले साल भी थे. हमने देखा स्पेशली नवंबर, हम चेंज कर देंगे 20 और नवंबर दिसंबर में काफ़ी हैवी इनकी सेलिंग थी. अगर सिर्फ इन दो ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद देखा जाए तो कोई $250 मिलियन इन्होंने सेल किया था सिर्फ नवंबर दिसंबर के अंदर, जो कि बहुत हैप्पीली लोकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अब्जॉर्ब किया था, जिसमें मेन चंक म्यूचुअल फंड्स का था फॉलोड बाई इंडिविजुअल्स. आप समझें कि कोई 120-125 मिलियन की बाइंग जो थी म्यूचुअल फंड्स की थी, और साथ में 70-80 मिलियन से लोकल इंडिविजुअल्स ने भी उसको ऑगमेंट किया था. इस दफ़ा जब गोरा सेलिंग MSCI के बाद कंटिन्यू रही, वो लोकल सेंटिमेंट काफ़ी डिटेरिरेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टनिटी और नॉइज़ जो हम देख रहे हैं. नतीजा ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स भी नेट सेलर हैं MSCI इवेंट्स के बाद से, और इंडिविजुअल्स भी नेट सेलर हैं MSCI इवेंट्स के बाद से. तो वो जो एक एब्जॉर्प्शन आ रही थी वो नहीं आई. अगर आई है तो कुछ थोड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से आई है, उन्होंने काफ़ी हैवी बाइंग की है, और इसके अलावा बैंक्स की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग आई है. सो अगर हम देखें तो पिछले साल लोकल्स को एक ट्रिगर दिख रहा था कि MSCI रीबैलेंसिंग है और इंडेक्स री रेट हो रहा है तो बाइंग करते रहो, लेकिन इस वक्त वो कोई ट्रिगर पॉजिटिव मार्केट्स में है नहीं. और स्पेशली हम 4 अगस्त के बाद से देखें तो मार्केट ने काफ़ी शार्प डिक्लाइन किया है, और 47,124 का जो हाई था वहाँ से अब आज 41,000 का लो ऑलमोस्ट हिट कर दिया इंडेक्स ने. तो ये एक अलग 5,000-6,000 पॉइंट की मंदी हमने देखी है जो हुई है, और उससे पहले 53,000 से जो हम पुलबैक देख रहे हैं MSCI के बाद से वो अलग है. तो अगर एक पॉइंट देखूं मैं, वो की ट्रिगर जो है वो 47,000 का लेवल है, जिससे नीचे फिर लोकल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मंदी में आए और उनकी वजह से मार्केट ने काफ़ी हैवी डिक्लाइन लिया है. आज की भी अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट एट वन पॉइंट इन टाइम वाज मोर देन 1,000 पॉइंट्स डाउन, बट सारी की सारी फिर सेकंड हाफ में रिकवर हुई और पॉजिटिव. 4 दिनों से यही होता रहा है कि 600, 3 दफ़ा हमने देखा है 4 अगस्त से अब तक 3 दफ़ा ऐसा इवेंट हुआ है कि 600-700 पॉइंट या 1,000 पॉइंट मार्केट इंट्राडे डिप लेती है और फिर पूरी रिकवर होकर खड़ी हो जाती है. टेक्निकल एनालिसिस में इसको बड़ी सिग्निफिकेंट समझा जाता है, और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे जो है एक रिवर्सल आएगा, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन चाहिए होती है विद हैवी वॉल्यूम्स एंड अ गुड गेन.
वो दोनों पिछली दो मूव्स में तो नहीं आए। अब आज की तीसरी मूव है, लेट्स सी कि कल हमें दोबारा से मार्केट में वॉल्यूम अच्छा मिलता है। अब आज रिलेटिवली हमने अच्छा वॉल्यूम देखा है, 200 मिलियन का ऑल शेयर में और 112 मिलियन का 100 इंडेक्स में भी, तो खुशाइन बात है। बट अब चूंकि बार बार डसे जा चुके हैं इन्वेस्टर्स और वो एक पोजीशन लेते हैं ट्रेडिंग के लिए और फिर वो लॉस में काटते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा सेंटिमेंट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे चल रहा है अनसर्टनिटी की वजह से। हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि कहाँ, व्हाट इज़ द बॉटम। बॉटम पे भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक आज से 6 महीने पहले नोबडी थॉट कि नवाज शरीफ साहब ना हेल होंगे। आई डोंट थिंक किसी शो में आपके किसी, सो नोबडी थॉट, एक अनफोर्सीन इवेंट था, ये हमारा ब्लैक स्वान था। जैसे ट्रंप जीता था अमेरिका में, वो उनके लिए एक अनसर्टन इवेंट था और इसलिए हमारा ये नवाज शरीफ का ना हेल होना वही इवेंट रहा है। नेचुरली आगे की सर्टनिटी भी इसी हिसाब से क्वेश्चन मार्क बन जाती है। वी डोंट नो कि क्या ये जो इनकी रिव्यू पिटिशन है इस पर फेवरेबल डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि एक रनिंग प्रेसिडेंट और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग के पीएमएलएन का प्रेसिडेंट हो और फिर इस तरह से ना हेल हो जाए और लाइफ टाइम के लिए उसको साइड पर कर दिया जाए। आई थिंक दीज आर वेरी अनसर्टन टाइम्स एंड न्यू नॉर्म्स आर बींग एस्टेब्लिश्ड, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा बॉटम लगने में। लेकिन बॉटम आई थिंक के जो अभी का लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ ज़रूर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और अपनी बॉटम फिशिंग करें। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50% की पीएसएमसी वगैरह इस तरह के स्टॉक्स 50% निकल चुके हैं और कोई ख़ास फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है। अगर आप देखें पीएसएमसी की रिजल्ट 36% बेटर आई, इसी तो होंडा की 99% बेटर आई। शायद वो ऑरेंज स्कीम के ऊपर डाउट्स आ गए कि ऑरेंज स्कीम आएगी नहीं आएगी, बिकॉज करंट गवर्नमेंट के साथ इश्यूज चल रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट के साथ भी बारी आने वाली है उनकी, कुछ इस तरह का एक परसेप्शन बनता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट वो एक अनफोर्सीन इवेंट होता है तो वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाला हिसाब हो गया। तो इन्वेस्टर्स बिल्कुल बैकफुट में हैं इस वक्त। आई थिंक कल आपने थट्टा का रिजल्ट देखा, थट्टा सीमेंट का 5 रुपये उसने कमा के दिया, शेयर की वैल्यू 36 है, 2 रुपये कुछ तो वो डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड के बाद तो वो 34 का हो गया। 34 पे 5 रुपये कौन कमा के देती है, कहाँ दुनिया में मिलता है वैसे रिटर्न। इसी तरह अभी बैंक का रिजल्ट क्वाइट गुड, पीएसओ वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिजल्ट, लेकिन सेलिंग उसको बेचे जा रहे हैं। एक सवाल ये होता है ना रजू साहब कि जो डे ट्रेडर्स होते हैं या फॉरनर्स होते हैं उनके तो चलो उनके अलग अलग सोच है, लेकिन एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसको हम एडवाइस करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस चैनल पर, जो हमारा फोकस होता है 20 करोड़ पाकिस्तानी, उसको तो ये देखना चाहिए ना कि उसके शेयर्स की रिटर्न क्या है। जी मुझसे जब भी सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं कि जी मैं तो तबाह हो गया, मैं मार्केट ये हो गई, तो मैं उनसे कहता हूँ आप पोर्टफोलियो बता दो। जब पोर्टफोलियो बताते हैं देयर इज ऑल सॉलिड शेयर्स, मैंने कहा आप बताइए कि किस कंपनी में आपकी कमी होगी, आपको इस शेयर से क्या करना है, उसको आप जूस बनाना है, उसका खाना पकाना है, उससे आपको डिविडेंड लेना है। डिविडेंड तो वो दे रहा है, कमा तो रहा है वो, आपको फिर क्या प्रॉब्लम है? Why you are looking at the index? Why don't you look at the index of yours, Bilkul. which is 5, 6, 10, 20 shares? And if the collection is good, you should not worry. और 2009 से हमने एक जो ट्रेंड देखा है ऊपर जाने का वो है अपनी जगह पर, मगर इन बिटवीन यू विल सी वैलीज ऑफ अबाउट 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, विच आर वेरी वेरी टेरेबल। जो कमाता वही है जो उस डिप में बेचे नहीं, रुक के रखे, बिल्कुल, और वो अगले ऊपर फिर उड़ जाता है। अब होता ये है कि आपकी बात 100% अपनी जगह बजा है कि इन दी एंड टाइमलाइन मैटर करती है, और अगर आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे बिलीव करते हैं तो इफ़ यू रिमेन इन्वेस्टेड तो इवेंचुअली आपके पैसे बन जाएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन अब हर कोई इस व्यू के साथ मार्केट में काम नहीं कर रहा होता। हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डे ट्रेडर्स अलग एक सब सोच के साथ मार्केट में आते हैं, पोजिशन ट्रेडर्स अलग सोच के साथ आते हैं। एक आदमी 5 रुपये का गोला घुमाने आता है और फिर वो 2 रुपये का लॉस करके काटता नहीं है, अपना लॉस माल लेके बैठा रहता है और फिर वो लॉसेस डीप रन होते जाते हैं और वो काटता नहीं है, और फिर जब वो 10-12% 20% हो जाते हैं तो फिर उसको तकलीफ देने लगते हैं और वहाँ पे वो भागता है मार्केट, तो उसकी साइकिल भी बिक जाती है। तो ये चूँकि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इस तरह हर किस्म का इन्वेस्टर मार्केट के अंदर मौजूद है, बट विनर वही होगा इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बाय करेगा, होल्ड करेगा और बैठा। मैं अपना बिजनेस का टाइम छोड़ के यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ कि आम लोगों को एडवाइस करूँ। जी एक नॉर्मल सैलरी क्लास है, एक दुकानदार है, एक काश्तकार है, मुझे तो डे ट्रेडर से वैसे ही नफरत है। आई थिंक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनी डे ट्रेडर मेक मनी इन द नेट, और मैं एज ए बैंकिंग क्रेडिट कंट्रोलर के तौर पर देखता रहा हूँ सऊदी अरेबिया में। 50 को तो बेल आउट किया इन द सेंस के दे हैड गॉन सो बैंकक्रॉप्ट दैट देयर फैमिलीज केम आउट एंड दे वर रेडी टू बर्न देमसेल्फ अप, तो हमें 1 लाख 2-2 लाख दिरहम रियाल देना पड़ा उनको।
तो मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी डे ट्रेडर को कमाते हुए. हमारा फोकस है एक आम इंडिविजुअल हु इज़ ट्राइंग टू क्रिएट ए पोर्टफोलियो फॉर हिज ओल्ड एज. उनको एडवाइस हम देते हैं, उन्हीं की तरफ हमारा फोकस है. और उनको आज भी एडवाइस यही है कि डोंट सेल. इफ़ यू डोंट सेल यू डोंट लूज. इन दी पेपर पे लूज होगा. इन दी एंड आप उनसे यही कह रहे हैं कि डिसिप्लिन रहें. हाँ, ठीक है, डिसिप्लिन. तो इन दी एंड जो डे ट्रेडर सट्टा करना शुरू हो जाएगा फिर वो हारेगा ही हारेगा, कभी उसके पैसे नहीं बनेंगे. डे ट्रेडिंग की भी टेक्निक्स हैं, गोरो ने साइंस बना दिया. आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि डे ट्रेडर आता है कि जी 2 रुपये कमाऊंगा या 2 रुपये लूज करूंगा, ये उसका इनिशियल स्टेटमेंट होता है. राइट, मगर ह्यूमन इज ह्यूमन. जब 2 रुपये कमा के वो तो बेच देता है बड़ी खुशी खुशी, हालांकि वो 20 रुपये बढ़ती है, मगर वो 2 रुपये पे खुश हो गया बंदा. जब लॉस शुरू होता है तो 2 रुपये का लॉस हो गया तो उसको कट कर देना चाहिए. वो नहीं कर पाता, वो नहीं करता. उसका दिल कहता है कि नहीं जी, रिकवर कर जाए, थोड़ा सा देख लें, अच्छा सा देख लें. उसके बाद वो 4 रुपये होता है, 8 रुपये होता है, उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल बिक जाती है, घर भी बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है. तो दैट इज़ द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. मैं समझता हूँ कि जो मसला आता है मेजॉरिटी जो लोग पैसे हारते हैं स्टॉक मार्केट में, उसकी एक वजह या तो डिसिप्लिन की कमी होती है या बहुत ज़्यादा फियर एंड ग्रीड जो है उनको उनके ट्रेडिंग स्टाइल को डोमिनेट कर रहा होता है. ट्रेडिंग देखें एक बिल्कुल सिस्टम की तरह से, ये इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, लॉन्ग ओनली टाइप भी हैं, शॉर्ट भी खेलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रेडिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, नेट नेट ये पैसे बना रहे हैं. पिछले 15-20 साल की आप हिस्ट्री उठा लें म्यूचुअल फंड्स की, एक्सेप्ट फॉर वेन द टाइम्स जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा क्रैश किया हो, जैसे 2008 या 2011 के अंदर कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी. अदर देन दैट म्यूचुअल फंड जो बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिटर्न्स हमेशा सॉलिड रहे हैं मार्केट के हिसाब से. आपको डिफ्रिशिएट करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल में और एक म्यूचुअल फंड में. म्यूचुअल फंड एक ग्रुप ऑफ पीपल, प्रोफेशनल्स होते हैं, CFA होते हैं, और उनके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर उनको काम करना होता है. डॉक्टर रसूल साहब ने सोच दिया कि जी मैं तो वॉरेन बफेट हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी तो मैं बेच दूं सारा माल, 20,000 पे खरीदूंगा. तो आपके कंपनी में आपकी तो नहीं चलती है ना. आप सोचते भी होंगे तो कहते हैं अच्छा बट्टी के रसूल साहब आपका एक पॉइंट आ गया, लेकिन लेट्स डू समथिंग एल्स. तो वो इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल यू कैन डू इट. अगर आप ये सोच लें कि मेरे पास 20 करोड़ रुपये है, मैं समझता हूँ मार्केट 20,000 पे जा रही है, आई सेल एवरीथिंग, you can do it and lose your 20 crore but institution will not allow you to do that. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड आपका कहना बिल्कुल बजाय कि वहाँ बहुत सारे दिमाग बहुत सारी आंखें एक ही चीज़ को देख रही हैं तो उनके फैसला करने की सलाहियत नेचुरली एक इंडिविजुअल से बहुत बेहतर होनी चाहिए. बट मेरा एक और आई वर्क ऑन द बाय साइड एंड म्यूचुअल फंड्स में इंडस्ट्री में मैंने काम भी किया है 3 साल. मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि म्यूचुअल फंड्स जब सिस्टमैटिक होते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो भी उनकी गाइडलाइंस होती हैं जो उन्हें मिल रही होती हैं वक्तन फवक्तन या उनके जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आई हुई होती हैं, अगर वो उन गाइडलाइंस को स्टिक टू करें, अच्छे डिसीजंस लें, रिस्क को अपने कर्टेल करने की कोशिश करें, तो ठीक है एक का 20% रिटर्न होगा, दूसरे का 10% रिटर्न होगा, लेकिन ये जो नुकसान में खड़े होते हैं ये वाला सिलसिला नहीं होगा. नुकसान जो इतने हैवी लॉसेज इस वक्त हमारे अक्सर क्लाइंट्स पे बेयर कर रहे हैं उसकी मेन वजह आई थिंक एक ये कि जब मार्केट में प्रेशर आया उस वक्त वो निकल नहीं सके, और दूसरा टाइम स्टांस का चेंज होना कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते करते उसको लॉन्ग टर्म बाय में आपने कन्वर्ट कर दिया तो बस ये नहीं वहाँ आपने अपनी कवर थोड़ी सी खोलना शुरू कर दी. ये अपने लॉस को मानने से इंकार किया और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश की, विच इज नॉट अगर आप स्टार्ट से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आते कि मेरा व्यू तो 5 साल के लिए है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हमने देखा है अभी भी आपको जो बता रहा हूँ कि 53,000 से मार्केट नीचे आई है, देर आर नेट बायर्स. हमने इंश्योरेंस कंपनीज का तस्करा किया कि इतनी हैवी बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज कर चुकी हैं, बैंक्स कर चुके हैं, तो ये इनके पास वो बुक्स हैं जो कि बिलियंस में रन्स कर रही हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है ये अपने बुक्स भर रहे हैं. एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेना है. मे बी यहाँ मार्केट कुछ ऐसा फंस जाए, थोड़े 1-2 महीने 3 महीने फंस जाए और फिर उसके बाद रैली करे कोई ट्रिगर आने पर, लेकिन जब ये रैली होगी तो दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरीज. उस वक्त लोग चढ़ रहे होंगे. एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि ये जो नवाज शरीफ ने एक तो डिसीजन मान भी लिया और साथ साथ जुलूस भी निकाल दिया, उससे पहले प्रोसीडिंग दैट व्हेन GIT रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड एंड ही वाज इवन ऑस्टेड, वी सॉ ए इंक्रीज ऑफ 2,500 पॉइंट्स. बिल्कुल, ड्यूरिंग दैट वेरी वेरी टेरेबल पीरियड. बिल्कुल बिल्कुल. अब मगर जब से ये जुलूस निकला है ये मार्केट का जुलूस निकल गया है. जी बिल्कुल. तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले तक हालात इतने बुरे नहीं थे. बिल्कुल, 43,000 से ही मार्केट घूमी थी और 47,000 ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की मार्केट ने रैली की थी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स चलता रहा था ये सिलसिला. वो बड़ा खराब वक्त था जी, GIT के फाइनलाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर का आउस्टर. जी
इससे ज़्यादा और ख़राब क्या पीरियड हो सकता है? मैं आपसे वजह बिल्कुल एग्री करता हूँ, और उसकी वजह जो हम जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि इट वॉज मोर लाइक अ रिलीफ रैली, कि मार्केट 53,000 पॉइंट से गिर रही थी और 43,000 तक आ गई। जब वो 10,000 पॉइंट्स का करेक्शन एक हो गया तो एक नेचुरली ओवरसोल्ड मार्केट है, एक अपवर्ड करेक्शन उसमें आना ही आना है, तो वो 3,000 पॉइंट की दोबारा रैली बनी। बट जिस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चलें जी वर्स्ट इज ओवर, नवाज शरीफ चले गए ना, अब तो कोई अगली बुराई तो अब कोई नहीं है, अब इनकी पसंद का बंदा पीएम बन जाएगा, इनकी पसंद का बंदा पार्टी हेड करेगा। बट वहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकली स्पीकिंग देर वॉज नो प्लान बी। मैंने एटलीस्ट ये नोट किया कि कोई प्लान बी नहीं था। शायद खाकान अब्बासी की नॉमिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और अगर मगर से शुरू हुई कि शायद इसको बना दें, शायद इसको बना दें, अगर कितने दिन के लिए बनाएं, शहबाज शरीफ आ जाएंगे, इतनी अनसर्टेनिटी एक फैसला आने के बाद क्यों थी? ये एक होमवर्क तो पहले से होना चाहिए था। आई थिंक दिस लेड टू फर्दर बिलीव कि जी ये अभी क्रियोस जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ अर्सा एक्सटेंड कर सकता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि पहले PMLN के प्रेजिडेंट जो बनाए गए वो कोई और साहब बनाएगा, और फिर कल नॉमिनेट किया गया है शहबाज शरीफ, 7 तारीख को बना दिए जाएंगे प्रेजिडेंट। तो ये बहुत सारे एक्स फैक्टर्स हैं, अनसर्टनिटीज हैं जो आपने बिल्कुल सही कहा, बी प्लान होना चाहिए था। क्यों अगर ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, हर चीज़ में बनाते हैं तो इसमें जैसा कि आपने कहा, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर वॉट हैपन, बट एज ए प्लानिंग आपको तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर को हटाया भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, और इट वॉज मोर लाइक अ टॉइंग कॉस ना, किधर भी तरफ गिर सकता था, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकती थी, तो एटलीस्ट तैयारी तो करनी चाहिए थी, नहीं थी। लेकिन आपकी बात सही मैं उठाऊंगा कि अब जो जिस लेवल पे मार्केट आ गई है, जिस रेट्स आ गए हैं, और जो रिटर्न्स अपनी जगह पे खड़ी हैं उन पे तो कोई तभी नहीं। थट्टा सीमेंट अगर 5 रुपये कमाया तो उसने कमाया, हबीब बैंक ने अगर इतना डिविडेंड दिया है तो दिया है, PSM ने जो रिजल्ट दिखाया दिखाया, होंडा ने दिखाया, PSO ने दिखाया, वो तो अपनी जगह पे है। रेट्स नीचे आ गए तो मल्टीपल बड़े अट्रैक्टिव हो गए, बिल्कुल सही बात है, 6-7 पे आ गए, अर्निंग्स तो वही है, अर्निंग्स तो रेदर या 6-7 की कोई मार्केट दुनिया में इस वक्त है? इस वक्त 8+ चल रहा है, 8.1 चल रहा है कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो था आपका पी। और आई थिंक इमर्जिंग मार्केट में आप बहुत 17-18 के पी चलते हैं, इंडिया 23 के पी पे चलता है, सो आप खुद इमेजिन कर ले 8 का पी और आपका नेबर 23 के पी पे चल रहा है, यू कैन गो एंड सेल द मार्केट अगेन, वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। सो हमारी रोजाना इनफैक्ट फॉरनर्स के साथ बातचीत चल रही है, आज भी मेरी उनसे यही बातचीत चल रही थी, एंड देवर ऑल्सो अबिट परप्लेक्स्ड कि ये इतने अच्छे PSMC 50% के करीब गिर चुका है, ये इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, इनको इतना ज़्यादा मार पड़ी है, बट दे आर ऑफ द व्यू कि ये टाइम है बाइंग करने का। इतनी गिर जाती है तो उसके बाद बाउंस बैक नेचुरल होता है, और मैं कहता हूँ आप फंडामेंटल्स पे भी अगर इस वक्त देखें मार्केट को तो आपको बाय एंड होल्ड की तो साइंस मिल ही जाती है, उसमें तो कोई बाय एंड होल्ड, हाँ बाय एंड होल्ड क्या बाय करें, सब टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपके मैसेज पहुंच गया, बाय एंड होल्ड का टाइम है जनाब। ये जो आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं गंवाते हैं उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाता, और टेस्टिंग टाइम यही होता है कि जब ये मार्केट गिरती है 10-15 दिन के लिए, जो जीता वही है, जो रोक के रखता है, जो बेच देता है वो लूज़ कर जाता है। हर पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, तो स्टॉक मार्केट में भी वही कमाता है जो पेशेंस रखता है, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, जो जिसकी सोच क्लियर होती है, जिसकी नहीं होती है वो सब कुछ लूज़ कर जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।